भाई क्रिकेट की फील्ड होती है, फुटबॉल की फील्ड होती है, बास्केटबॉल की फील्ड होती है, हॉकी की फील्ड होती है। चार्ज ने कहा तो मैं क्यों पीछे रहूं, मेरी भी तो फील्ड होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में चार्ज की फील्ड की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की। बढ़ते हैं पढ़ते हैं। भाई मैं यहाँ स्टूडियो में बोल रहा हूं इस समय, तो मेरी आवाज जहां तक जा रही है वो मेरे साउंड की फील्ड है। पापा तुम्हारे आसपास, पापा दूर हैं तो तुम पढ़ाई में मन कहां लगेगा, उतना ही लग रहा होगा। बट जैसे ही पापा साथ सामने आ गए या घर में आ गए, तुम्हारा अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगा। मतलब कि एक्चुअली में पापा की फील्ड में अब तुम आ चुके हो। कभी भी कान के नीचे बहुत तेजी से हाथ आ सकता है, तो जब उनकी फील्ड में आप आ गए तो उनके इन्फ्लुएंस में आपका काम होने लगा। तो भाई इसी यहीं से डेफिनेशन अपन निकाल कर लाते हैं, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है किसी चार्ज के चारों तरफ, जिस रीजन में आप उस पर्टिकुलर चार्ज के कारण एक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सको, उस रीजन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है दोस्तों फील्ड का। आवाज जहां तक जा रही है वो साउंड की फील्ड, मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फोर्स जहां तक फील कर सको वो मैग्नेटिक फील्ड, मास के कारण जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर सको वो ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह से चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर उस चार्ज के कारण तुम एक इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर सको, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन द अदर चार्ज बॉडीज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी डेफिनेशन आए तो ये वाला डायग्राम एक नॉर्मल सा सर्कल टाइप का बना के उसमें चार्ज रख के और साइड में लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका काम हो जाएगा। सो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा बुरी खबर है, डायरेक्शन देखना पड़ेगी यहां पर, तो इसीलिए इसे हम कहेंगे ये वेक्टर फील्ड है हमारे पास। मतलब कि इसमें आपको डायरेक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस वीडियो में वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यार मेरे इन दोनों हाथों के बीच में लड़ाई चल रही है बहुत देर से। ये हाथ बोल रहा है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, ये हाथ बोल रहा है ये मैं ज्यादा पावरफुल हूं। दोनों हाथों ने आपस में सोचा कि एक बार कुश्ती कर लेते हैं। मैंने भी सोचा कि यार पता कर लेता हूं कौन सा वाला ज्यादा पावरफुल है। मैंने नीचे एक मीटर लगा दिया जो फोर्स को मेजर कर रहा था। ये फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ये फोर्स लगा रहा है इस तरफ, क्या रीडिंग आने वाली है? वो जो रीडिंग आने वाली है वो रीडिंग तो इन दोनों का रिजल्टेंट होने वाली है, एक के कारण तो नहीं पता चलेगी। तो फिर मैंने अपने राइट हैंड से कहा तुम कोई फोर्स मत लगाओ, लेफ्ट हैंड को लगाने दो। लेफ्ट हैंड ने फोर्स लगाया तो जो रीडिंग आई वो सिर्फ लेफ्ट हैंड की आई। अब तुम पूछोगे बाबा जी इस बात का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या रिलेशन है? तो भाई रिलेशन है, और वो ये रिलेशन है कि अगर मैं एक चार्ज के की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे चार्ज को लेकर आ जाऊंगा तो वो दूसरा चार्ज भी तो उस पर फोर्स लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो फिर मैं एक के कारण किसी पॉइंट पर कैसे निकालूं कि इस अकेले के कारण उस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है? तो यार इसके लिए एक हाथ को, एक साइड को ऐसा होना पड़ेगा कि जिसके कारण कोई फोर्स ही ना लगे। अब प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर अपन तो जानते हैं हाइपोथेटिकली तो दुनिया में सब चीजें चलती हैं। तो यहां पर मैं लेकर आता हूं आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहता है, आई एम रियली सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, बट हाँ यहां पर फिक्स बैठा है वो उसके लिए। टेस्ट चार्ज कहता है मेरी कोई औकात नहीं है यार, मेरी औकात नहीं है। मतलब कि कोई भी मुझ पे फोर्स लगाए मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं गांधी जी के सारे प्रिंसिपल पे फॉलो करूंगा। इस गाल पे मारो तो ये वाला गाल आ गया, ये वाले पे मारो तो तीसरा। मुन्ना भाई ने कहा था कि दो के बाद तीसरे का बोला नहीं था उनने, मगर टेस्ट चार्ज बोलता है मारो जितना मारना है। मतलब कि मेरी खुद की कोई फील्ड नहीं है, मैं किसी और पर फोर्स लगाने वाला नहीं हूं। अगर मैं फील्ड में गया तो जो भी फोर्स लगेगा वो मुझ पर लगेगा। तो इसीलिए जब भी कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उस पॉइंट पर, उस चार्ज की फील्ड में, वहां पर रख दो टेस्ट चार्ज। मैंने रख दिया टेस्ट चार्ज, और ये था क्यू चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को रखा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि बेसिकली मैं चाहता हूं पता करना कि ये जो चार्ज है इसके कारण उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना फोर्स होगा। मेरा दोस्त आया उसने प्यार से ऐसे मारा, और एक दूसरा दुश्मन आया उसने गुस्से में ऐसे मारा। ऑब्वियसली दूसरे वाले केस में इंटेंसिटी बहुत तेज थी, बहुत तेज लगी।
है ना। तो वैसे ही यहाँ पर मुझे पता करना है कि इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितना फोर्स हो सकता है उस पर्टिकुलर चार्ज के कारण। उसे ही हम बोलने लग जाते हैं, उसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस डेफिनेशन को। तो अगर आप गौर से देखो तो फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कितना है अगर एफ है। तो मैं हमेशा हर चीज को यूनिटी में निकालने में इंटरेस्टेड होता हूं कि यूनिट चीज में, क्योंकि मुझे अगर पता है एक बंदा चार चॉकलेट खाता है तो 10 बंदे 40 40 खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि एक के लिए मुझे पता है। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर फोर्स निकाला पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज है किसी पॉइंट पर, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर चार्ज के कारण उस पॉइंट पर ये पता कर सकें कि कितनी फील्ड होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, अगर वहां कोई चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है लगा दो वहां पर, अगर दूसरा चार्ज रखोगे तो फोर्स लगाएगा। तो टेस्ट चार्ज मैंने वहां पर रख दिया, टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा, एफ लगा। तो यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना लगता, F अपॉन Q नॉट लगता। भाई आसानी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन निकल कर आ गई, और वो डेफिनेशन ये कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कहानी हो गई खत्म, फॉर्मूला भी निकल के आ गया, E इज इक्वल टू F बाय Q। बट मैं आपसे कहूंगा F इज इक्वल टू QE, याद रखना, बहुत काम आएगा डाइपोल में, तो स्पेशली बहुत काम आने वाला है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। मैं तो लुई लुई करके याद रख लेता हूं इसको, एफ इज इक्वल टू लुई। वो अपने अपने निमोनिक्स होते हैं जो आप बनाना चाहो, बट एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई क्यू ई क्यू ई। बार बार बोल रहा हूं, याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, मैं पूछूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियोज में, और तुम्हें बताना पड़ेगा अगर मैं लाइव आ गया तो। ठीक है, चलिए अब अगर अपन यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी था। दूसरी चीज यह है कि फोर्स अपॉन चार्ज है, मतलब न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो गई। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, और चार्ज का होता है ए टी, डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। सो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, बिल्कुल दिमाग भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अपने का कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये यूनिट है, ये वेक्टर क्वांटिटी, और अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। याद रखना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। बहुत आसान डेफिनेशन थी एफ बाई क्यू, दैट्स इट। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो भाई मैंने कहा था ना, मेरा स्टूडियो मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरा घर मेरे लिए बहुत बड़ा है, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए अभी बहुत बड़ा है, बट जब बहुत ऊपर से देखोगे तो इतना सा पिद्दू सा दिखेगा। तो पॉइंट चार्ज मतलब जब डिस्टेंस के कंपैरिजन में साइज बहुत छोटा हो तो उसे पॉइंट बोलने लग जाओगे। तो ये एक मेरे पास है पॉइंट चार्ज Q, इसके कारण ये Q नॉट पर मुझे निकालनी है, मैंने मुझे वो पॉइंट है उस पॉइंट पर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा था ना टेस्ट चार्ज रख दो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो, बाद में एफ अपॉन क्यू नॉट कर देंगे आंसर आ जाएगा। बहुत सड़ा है इसमें, तो बूटी भी नहीं दे रहा मैं, सीधे सीधे बता देता हूं तुमको। सबसे पहले फोर्स निकालो, उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, डेरिवेशन खत्म हो गया यार, उसमें कोई दम ही नहीं है, देख लो कैसे। ये देखो, अगर आपसे कहा गया अगर Q0 को आपने r डिस्टेंस पे रखा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 बाय r स्क्वायर। एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q0, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, k Q Q0 बाय r स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बोलती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई साहब ये आपने फोर्स की वैल्यू रख दी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, नीचे रख दिया क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल, आपके पास फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्यू बाय आर स्क्वायर, फोर्स निकालना है क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। के तो आएगा ही, दहेज में आया है, बताया था ना साले साहब है वो तो आएंगे ही आएंगे, शादी हो गई तो आपकी, तो वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के तो आपके साथ आना ही आना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज
इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। मेरे कारण निकाल लिए मेरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके कारण निकाल लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसके कारण निकाल लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, जिसके कारण निकालनी है ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। कहानी हो गई पॉइंट चार्ज के कारण खत्म। अब बढ़ेंगे हम डाइपोल की तरफ, बट इतना ज्यादा रिटेंशन है नहीं तो ब्रेक तो लेना बनता है दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत, लोगों को बताओ, पढ़ो और मचाओ। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नया करेंगे, कुछ फिर सीखेंगे और सिखाएंगे। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।